जय श्री कृष्णा, राधे राधे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। प्रेम से बोलिए धर्मराज भगवान की जय। आज आप सभी सुनेंगे धर्मराज भगवान की कथा। कथा, एक ब्राह्मण थी जो कि मरकर धर्मराज जी भगवान के घर गई। वहां जाकर उसने कहा, मुझे धर्मराज जी के मंदिर की रास्ता बता दो, मुझे जाना है। स्वर्ग से एक दूत आए और बोले, ब्राह्मणी आपको क्या चाहिए? तब ब्राह्मणी बोली, मुझे धर्मराज भगवान के मंदिर की रास्ता बता दो। इतना कहकर आगे आगे दूत और पीछे पीछे ब्राह्मणी मंदिर तक गई। ब्राह्मणी बहुत धार्मिक महिला थी, उसने बहुत दान पुण्य कर रखे थे। उसे विश्वास था कि उसके लिए धर्मराज जी की मंदिर का रास्ता अवश्य खुल जाएगा। ब्राह्मणी ने वहां जाकर देखा, वहां बड़ा सा मंदिर था, सोने का सिंहासन था, हीरे मोती से जटित छतरी थी। धर्मराज जी न्याय सभा में बैठे साक्षात इंद्र के समान शोभा पा रहे थे और न्याय नीति से अपना राज्य संभाल रहे थे। यमराज जी सबको कर्म अनुसार दंड दे रहे थे। ब्राह्मणी ने जाकर उन्हें प्रणाम किया और बोली, भगवान मुझे बैकुंठ जाना है। धर्मराज जी ने चित्रगुप्त से कहा कि इस ब्राह्मणी का लेखा जोखा मुझे सुनाओ। तब चित्रगुप्त ने लेखा जोखा सुनाया। सुनकर धर्मराज जी ने कहा, तुमने सब धर्म किए हैं पर धर्मराज जी की कहानी नहीं सुनी, बैकुंठ में तुम कैसे जाएगी? ब्राह्मणी बोली, हे भगवान, धर्मराज जी की कहानी का क्या नियम है, कृपा करके आप मुझे बताएं। तब धर्मराज जी बोले, कोई एक साल, कोई 6 महीने, कोई 7 दिन ही सुने पर धर्मराज जी की कहानी अवश्य सुने, फिर उसका उद्यापन कर दे। उद्यापन में काठी, छतरी, चप्पल, बाल्टी, रस्सी, टोकरी, टॉर्च, साड़ी, ब्लाउज का बेस, लूटी में शक्कर भरकर, 5 बर्तन, 6 मोती, 6 मुंगा, यमराज जी की लोहे की मूर्ति, धर्मराज जी की सोने की मूर्ति, चांदी का चांद, सोने का सूरज, चांदी का साठिया ब्राह्मण को दान करे, प्रतिदिन चावल का साठिया बनाकर कहानी सुने। यह बात सुनकर ब्राह्मणी बोली, भगवान मुझे 7 दिन वापस पृथ्वी लोक में जाने की आज्ञा दे, मैं कहानी सुनकर वापस आ जाऊंगी। धर्मराज जी ने उसका लेखा जोखा देकर 7 दिन के लिए पृथ्वी पर भेज दिया। ब्राह्मणी जीवित हो गई। ब्राह्मणी ने अपने परिवार वालों से कहा कि मैं 7 दिन के लिए धर्मराज जी की कहानी सुनने के लिए धरती पर वापस आई हूँ। इस कथा को सुनने से बड़ा पुण्य मिलता है। उसने चावल का साथिया बनाकर परिवार के साथ 7 दिन तक धर्मराज जी की कथा सुनी। 7 दिन पूरे होने पर वापस धर्मराज जी का बुलावा आया और ब्राह्मणी को बैकुंठ में श्री हरि की चरणों में स्थान मिला। प्रेम से बोलिए धर्मराज भगवान की जय।